परम धाम से ज्ञान सूर्य की किरणें, पावन किरणें मुझ पर बरस रही हैं। इस सृष्टि को पावन करने के लिए सर्वशक्तिमान अपनी किरणें चारों ओर डाल रहे हैं। इन किरणों को स्वयं में समा कर मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली, निर्मल, निर्भय प्रकृति की कुटिया में विराजमान हूँ। मैं परम पवित्र हूँ। इस संपूर्ण प्रकृति की मालिक हूँ। पवित्रता के सागर से पवित्र किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। ये पवित्र किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, प्रकृति को पावन कर रही हैं।
मैं आत्मा। ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर स्वराज्याधिकारी मस्तक सिंहासन पर विराजमान मन बुद्धि की मालिक हूं, अपने मन को आदेश दें, हे मेरे मन, तू जन्म जन्म बहुत भटका है, अब शांत हो जाओ। तू तो मेरा गुड फ्रेंड है, हे मेरी बुद्धि, तू ईश्वरीय बुद्धि है, स्वयं को स्वच्छ कर दे, मुझे तुम्हारे अंदर वरदानों को समाना है, अब इस देह को यहीं छोड़कर मैं आत्मा चली अब अपने धाम। ये शांति धाम है, गोल्डन रेड लाइट, सुनहरा प्रकाश चारों ओर, यहाँ चारों ओर परमात्मा वाइब्रेशंस फैले हैं। यहाँ के संपूर्ण वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं, ऊपर निराकार शिव बाबा, इस सृष्टि के बीच सच्चिदानंद स्वरूप सुख शांति के भंडार बुद्धि स्थिर कर दे उन पर,
मेरे मन के मीत खुदा दोस्त ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिमान स्वर्ग के रचयिता पतित पावन उनका दिव्य स्वरूप मन को आकर्षित कर रहा है। मैं उनके बहुत समीप हूं, उनके दिव्य प्रकाश को प्राप्त करके मैं भी बहुत तेजस्वी हो गई हूं। सर्वशक्तिमान की शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। विकर्मों को और विकारों को जला रही हैं। परम धाम से पावन होकर मैं आत्मा अवतरित हुई देवलोक में। पहले जन्म में चले स्वर्ग लोक में, चारों ओर दूर दूर तक चमकते सोने के महल,
प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य, हवाओं में भी सुगंध, आकाश में उड़ते हुए पुष्पक विमान, यहां मैं अपने देव स्वरूप में हूं, कंचन काया, सिर पर डबल ताज, मैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी हूं, विश्व के राज की अधिकारी हूं, सुख शांति पवित्रता अथाह धन संपदा है, प्यार से भरा जीवन, सुखदायी जीवन, सुखों से संपन्न, देव स्वरूप, इसी स्वरूप में अनेक जन्म मैंने देव कुल में लिए, कलाएं कम होती गई, युग बदलते गए, दिन बीतते गए और मैं आत्मा यात्रा करते करते द्वापर में अपने पूज्य स्वरूप में मैं अष्टभुजाधारी देवी विघ्न विनाश गणेश मंदिर में स्थित सामने खड़े हजारों भक्त मेरे इस पूज्य स्वरूप का दीदार कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, हे देवी
तुम असुर संहारिणी हो। विद्यादायिनी हो, सिद्धिदाता हो, बुद्धिदाता हो। सुने अपनी महिमा, कष्ट निवारण करने वाली हो, मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, सभी के पाप नाशिनी दुख हरने वाली हो, हे देव आप विघ्न विनाशक हो, सिद्धि विनायक हो, विद्यापति हो, बहुत शक्तिशाली हो। हमारे मस्तक से शक्तियों की किरणें निकलकर सभी भक्तों पर पड़ रही हैं। भक्त जय जयकार कर रहे हैं, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, प्रभु पालना में पलने वाली भाग्यवान आत्मा हूं, इस धरा पर चमकता हुआ मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूं, वरदानों से संपन्न हूं, फरिश्ता हूं। मेरा ये देह लाइट की देह में बदल गया, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, मैं डबल लाइट फरिश्ता, आत्मा भी लाइट, शरीर भी लाइट का, उड़ चला सूक्ष्म लोक में,
या चारों ओर सफेद प्रकाश। देखें अपने को मैं ऊपर, सामने बाप दादा, बहुत तेजस्वी स्वरूप उनका, मस्तक में महाज्योति चमक रही है। ये वही है जिन्हें हम युगों से ढूंढ रहे थे। ये मिलन हमारा हमारे प्राणेश्वर से, दृष्टि दे रहे हैं। ये परम सद्गुरु की अति सुखदायिनी दृष्टि, महासुखकारी दृष्टि, मेरे सिर के ऊपर अपनी हजार भुजाएं फैला दी हैं, हजार भुजाओं की छत्र छाया में। मस्तक पर तिलक लगाया, मानिच्छित वरदान देने को तैयार हैं। जो चाहे वरदान ले लें,
स्मृति दिला रहे हैं। तुम्हारी 5000 वर्ष की यात्रा पूर्ण हो रही है। मैं आ गया हूं तुम्हें घर ले जाने। तुम्हें सब कुछ यहीं छोड़कर और सब कुछ प्राप्त करके घर वापिस चलना है। बच्चे, तुम देव कुल की महान आत्मा हो। तुम विश्व पर राज करते थे। मैंने तुम्हें अथाह धन संपदा दी थी। तुम अब फिर से मेरे पास आ गए हो। मुझसे जो चाहो ले लो। तुम ईश्वरीय शक्तियों से, वरदानों से भरपूर हो। दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता उड़ चला। बैठा एक ऊंची पहाड़ी पर। बाबा की पावन किरणें मुझ पर पड़ रही है। अब आकाश में विचरण करें। सभी को खुशी, प्रेम, शांति, सुख के वाइब्रेशंस देंगे। मैं पूर्वज सभी की पालना करने वाला आकाश में घूमकर वाइब्रेशंस दे रहा हूँ सबको। मेरे नैनों से गोल्डन किरणें निकल कर चारों ओर फैल रही हैं।
सर्व शक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है और मैं फरिश्ता आकाश विचरण करते हुए सभी को बल प्रदान कर रहा हूँ।